ठीक है, वर्ब है एस सेंटेंसी, जिसके मीनिंग होते हैं डोमिनेशन, इन्फ्लुएंस, कंट्रोलिंग पावर। तो हम कह सकते हैं गर्ल्स एस्टेंसी ऑफ बीइंग अ डॉक्टर। एस्ट्यूट मीन श्रेफ्ट, क्लेवर, आर्टिफुल, परसेप्टिव, विलीस लाइक, क्राफ्टिंग, यानी जो बिजनेस माइंड में जीनियस लोग होते हैं आमतौर पर उनके लिए कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं वेमेन आर एस्ट्यूट बिजनेस मैन। बैकेट टू हैंड डाउन बाय विल कॉन्साइन शी बैंक्वेट हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी टू हर नाइस। बेजारी स्ट्रेंज और फैंटास्टिक वेट अनयूजल ग्रोटेस्क फ्रैकेज एट रीचर डिसलाइक द बिजारी आंसर। मेरा करिश्मा चार मैग्नेटिज्म द करिश्मा ऑफ लीडर अट्रैक्ट्स पीपल। फिर है कॉन्साइस, जिसके मीनिंग होते हैं टर्स, बी ब्रेविटी, सुख एंड कम्पैट लेकोनिक। ए कॉन्साइज आंसर इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। फिर है कॉन्डोन, जिसके मीनिंग होते हैं ओवरलुक, इग्नोर, फॉरगिव। वन शुड काउंट ऑन द ड्रिवल। फिर इसके बाद है कॉपियस, जिसके मीनिंग है एपंडेंट, प्लेंटिफुल, एम्पल, अ फॉरेस्ट, कॉपियस विद स्नेक्स। फिर है एक्सट्रिकेट, जिसके मीनिंग है फ्री होना, डिस्ट्रेंगल, सेव, रिकवर। हम कह सकते हैं द इंडिमेंट वर एक्सेंसेंट फ्रॉम इंसेंसरेनेशन। फिर इसके बाद है फ्यूरर, जिसके मीनिंग है एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म, फ्रेंसी, अप्रोड, वर्व, द फ्यूरर ऑफ क्राउड ड्यूरिंग अ क्रिकेट मैच, यानी बहुत ज़्यादा रश होना। इनकोरेजेबल, अनकरेक्टेबल, इनकोरेजेबल मिस्टेक शुड नॉट बी कंडोन, यानी जो कुछ ऐसी मिस्टेक है ना जिनको आप दोबारा से सही नहीं कर सकते। कॉन्डोन का जिक्र ऑलरेडी आ गया, जिसका मतलब क्या है ओवरलुक या इग्नोर। इंजीनियस अनसोफिस्टिकेटेड, नेव यंग, द इंजीनियर मैन वॉज इग्नोर। इनसोमनिया, वॉकफुलनेस, स्लीपलेसनेस, फेसबुक इज द बेस्ट टाइम फॉर दोज हु सफरिंग फ्रॉम इनसोमनिया, या यूट्यूब को भी कह लो। इंटेनरी, अ प्लेन फॉर प्लान फॉर ट्रिप। मैग्नेशियस, जेनरस, काइंड एंड फॉर गिविंग स्पेशली टूवर्ड एन एनिमी। मिजोस, मैग्निकस टूवर्ड्स धोनी आफ्टर द विक्ट्री। मेल्ट के मीनिंग हो जाएंगे डैमेज, डिसफिगर। द मेरिट चेयर्स वर रिप्लेस बाय द न्यू वंस। फिर है मेलाप्रोपिज्म, कॉमिक मिसयूज ऑफ वर्ड। अजीज, मेलाप्रिज्म इज एडमायरेबल। मैस्मेराइज, हैप्नोटाइज, ए मैजिकल मैस्मेराइज इज ऑडियंस। मेजर यानी बहुत कम, इनसफिशियंट, स्कैंटी, इनएडिक्वेट। मेजर अमाउंट वॉज पेड टू द प्रे विक्टिम ऑफ अर्थक्वेक।